यार एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति हो, उसकी शादी हो और उसकी पत्नी एक साल बाद या 1.5 साल बाद कभी भी अपने घर पर बताए, या बंदा अपने घर पर बताए कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, या लड़की बोले मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मतलब ना टेंशन पड़ जाती है कि यार हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, हमने सेक्स कर लिया, कितनी गंदी बात है सेक्स कर लिया। मतलब ये इंडियन मेंटेलिटी है। और भाई साहब दो दो पत्नियां, जब एक प्रेग्नेंट हुई तो दूसरे को इतनी खुशी हुई, यहां से पता नहीं 365 डेज वाला हीरो आ गया वो मिलने। वेलकम लेडीज एंड लेडाज। तो आज थंबनेल और टाइटल से तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। बिल्कुल अरमान मलिक के ऊपर और उसकी दोनों पत्नियों के ऊपर। और इतनी ज्यादा ठंड हो चुकी है, हम जैसों के पास एक नहीं, और ये पता नहीं पार्कर पेन से अपनी किस्मत लिखवा के आया जो इसके पास दो दो है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इनकी बात तो पूरी वीडियो में चलती रहेगी। उससे पहले हम बात कर ले जो ब्लॉगिंग कम्युनिटी है आजकल कैसी होती जा रही है। तो ब्लॉगिंग में सबसे पहले किसका नाम आता है? सौरभ जोशी का। और सौरभ जोशी का एक मीम आया मेरे पास जिसके ऊपर अपन रिएक्ट करेंगे। जरा वो मीम देखो। को जाना है अपनी थार को लेके मॉडिफिकेशन के लिए, पूरी ऑफ रोडिंग वाली बनानी है ना। तो अभी गाइस होटल से निकल गए हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर, 1.5 घंटा लग जाएगा। देखो गाइस दिल्ली में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, इतना ज्यादा ट्रैफिक, हम सुबह से निकले हुए हैं, इतनी स्लो स्लो चल रहे हैं गाइस, इससे बढ़िया तो मेट्रो से निकल लेते। वाह क्या लॉजिक है, थार की मॉडिफिकेशन करवानी है, कार मॉडिफाई करवानी है, इससे अच्छा मेट्रो में चले जाते। थार सोनपर ही ने लेके जाना करोल बाग। एक और इंस्टाग्राम पर मीम किसी ने मेरे को शेयर किया था सौरभ का, जिसमें ये बोल रहा था आज हम लेने जा रहे हैं 14 प्रो मैक्स, और जैसे ही एप्पल स्टोर में पहुंचता देखो यार आज ना पीयूष वगैरह कोई नहीं है, अच्छा हुआ ना वो साथ नहीं आए, नहीं तो वो यहाँ पे होते। कुछ भी लॉजिक तेरी जुत्ती कटे मेरी। देखो आज सारी वीडियो जो है ना ये ब्लॉगरों के आसपास ही घूमनी है। सौरभ जोशी के एक दो मीम तुम्हें बता दिए, इसके बाद वही तुम्हें रूही राय का एक मिनी ब्लॉग दिखा रहा हूँ, वो भी देखो बहुत ज्यादा मस्त है। Hi besties, so आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है। तू पागल है, पागल है, तू पागल है, जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं, जिसमें आप नमक और ऑयल एक बार खा सकते हो। उबली हुई औरत हमें क्यों बता रही है? और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील, बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था तो एनर्जी चाहिए थी उसके लिए। एनर्जी चाहिए तो ये मदर चा ये ओट्स मंगाए हैं। बहुत सारा काम, क्या सीमेंट बजरी का घोल बनाना था? ऐसे लोगों की मत मारी गई है कि पापा के श्राद्ध पे भी व्लॉग बन रहा है, और तब भी घर से नहीं खाना, बाहर से ऑर्डर करना है। बाय द वे इट्स वेरी यम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रेट दिस 8 out of 10। हम सिर्फ लंच ही कर सकते हैं, एक ही मील खा सकते हैं, तो मैं साई के पास ये लंच लेकर गई थी। तेरा कोई दीन धर्म है कि नहीं? स्टार्टिंग में बोल रही है कि एक ही बार खा सकते हैं, पहले वो मदर वो मीला सी खा ली अनार के दाने डाल के, अब लंच लेके साहिल के पास गई हुई है। ये भी ठीक है, एक आम व्यक्ति की 4 खुराकें तुम्हारे 1 के बराबर है। उसके बाद हम कुछ बाहर पीने गए थे और मैंने ये ड्रिंक चूज करी थी, बट ये थे नहीं, तो मुझे पिंक लेमोनेड पीना पड़ा जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था। आई रेट इट 2 out of 10। दीदी नो वन गिव्स अप। स्टार्टिंग में कह रहे हैं दिन में एक बार खाना था, 18 मील्स तो तुमने 1 मिनट के व्लॉग में बता दी। मैं सही बता रहा हूँ, इंडिया में व्लॉगिंग के नाम पर कचरा हो रहा है भाई। मेरे को बोलना नहीं चाहिए रूही, बट दिस इज लिटरली शिट। हमारे पापा भी ऊपर से बोल रहे होंगे मतलब अपने पापा के श्राद्ध पर भी पार्टीज की जा रही है, रेस्टोरेंट्स जाया जा रहा है और घुमा फिरा जा रहा है। भाई इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए जिंदगी में, मैं अपने आप से ऑर्गेज्म ले सकता हूँ इतना चलेगा, अपने हिट हुई मैं शीशे में देखकर अच्छी अच्छी फीलें ले सकता हूँ इतना चलेगा, पर भगवान से एक ही दुआ है कि इतना कॉन्फिडेंस मुझ में कभी ना आए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरमान भैया। अरमान भैया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की जहां पर साफ पता लग रहा है कि अरमान भैया की दोनों धर्म पत्नियां प्रेग्नेंट है। अरमान भैया तो प्रो निकले, पता नहीं कड़े बॉनविटा च वगैरह पाके खा रहे हैं दोनों। हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है, गोलू का जो चल रहा है 3rd month चल रहा है, और ये हमने बहुत लेट इसलिए रिवील किया है क्योंकि गोलू के साथ ना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो मैंने सोचा कि 3 month के बाद ही हम बताएंगे कि गोलू इज प्रेग्नेंट। अरमान भैया वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, भगवान करे ऐसे ही 2, 4, 5, 7, 10, 12 और हो, तुम अपनी क्रिकेट टीम बनाओ, तुम अपना अलग से कस्बा बनाओ, अलग से एक एमएलए चूज करो, थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता तो अच्छा होता। दोनों इकट्ठे और इतनी खुशी से व्लॉग डाले है ना, ओए ओए। जैसे कि बताया ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मैं बहुत डर गई थी कि जैसे ही मेरे को प्रेगनेंसी का पता चलता है ना फीवर आ जाता है, बट उसके बाद मैंने अपना इतना ध्यान रखा है, मतलब कि मेरा अभी चल रहा है 10 weeks 2 days चल रहे हैं। बाय द वे अगर तुम मेरे चैनल पर नए आए हो या तुम सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करते, तुम ज्यादा एक्टिव नहीं हो ये इंटरनेट वाली दुनिया में, और अगर तुम्हें नहीं पता कि अरमान मलिक और इनकी पत्नियां पायल और कृतिका कौन है, तो भाई लव यू।
यू, तुम लोग अपनी जिंदगी अच्छी जी रहे हो, बहुत अच्छी जी रहे हो, अपने काम पर ध्यान दो, इन चक्रों में ना पड़ो। और जिनको नहीं पता अरमान पायल कृतिका कौन है तो मैं बता दूं, शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगा, जो अरमान भैया वो स्टड है। पायल जो बैंक में लगी हुई थी, तो अरमान जब बैंक में गया तो पायल के साथ कोई काम की डीलिंग करके उसने नंबर एक्सचेंज कर लिया, और नंबर एक्सचेंज में 7 दिन में प्यार हो गया, घर से भाग गई, शादी कर ली। पहले मेरे को वो बैंक बताओ जहां पर इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां लगी हैं। भाई हमारे बैंक में 80-80 साल के अंकल लगे हैं, 90-90 साल की आंटियां लगी हैं, उनसे स्टेटमेंट मांग लो अपने खाते की, उनको ये बताने में सांस चढ़ जाती है कि अगले काउंटर पे जाओ। निकेड़ा है बैंक का जितने इतनी सोनिया सोनिया कुड़ियां हैं, और 7 दिन में प्यार हो जाता है यार। 7 दिन कहीं तुम घूमने गए ना, अच्छे से पेट नहीं साफ होता, अच्छे से टट्टी नहीं आती बार वाले बाथरूम में, इसको प्यार हो गया और भाग के शादी कर ली। इतना कॉन्फिडेंस दुनिया में आता कहां से है? और शादी होने के बाद इन्होंने बच्चा किया, बच्चे का नाम रखा इन्होंने चीकू। लोग अपने घर में ऐसा फ्रूट नहीं लेके आते जैसे इसने अपने बच्चे का नाम रख दिया, बच्चा वैसे बहुत क्यूट है। उसके बाद पायल की फ्रेंड बनी कृतिका, और अरमान मिले किसी की बर्थडे पार्टी में कृतिका को, तो कृतिका के साथ भी नंबर चेंज हो गया और उनको भी प्यार हो गया, फिर उन्होंने भी शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने एक दूसरे को बताया तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों कठिया रहने लग पड़ी। उसके बाद ये तीनों और बच्चा ये चार लोग साथ में रहने, ओ पहनी या पहनी कहना यार, सलाम मनी, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो तेरी स्टोरी है भाई। यार हम लड़के अगर किसी लड़की से नंबर मांग ले ना, आगे से आलू बुखारे जैसा मुंह करके बोल देती, ज्यादा फ्रैंक ना हुआ अगर, तो तुमको ऐसे नंबर मिल जाते हैं भाई। कसम से बहुत सेक्सी किस्मत लेके आया जिंदगी पे बहुत। देखो अब तुम्हारी प्राइवेट लाइफ तो कोई है नहीं, तुम सारा कुछ तो सोशल मीडिया पर यार यूट्यूब पर खोल ही देते हो, तो लोग तो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, तो इस वीडियो को फन में ही लेना, ज्यादा सीरियसली मत लेना। आई लव यू टू कृतिका। क्या हुआ क्या हुआ? पिंक कलर की टट्टी हुई, कितनी बार पूछेगी क्या हुआ? पकड़ो हमारा कैमरा भी, तो कोई पकड़ लो। यार वैसे तुम्हारे भाई घर वाले जो नाम है ना बड़े ही प्यारे हैं, गोलू चीकू गुड्डू, बहुत प्यारा नाम है। कभी पंजाब आओ तो आपको ऐसे नाम मिलेंगे। और लोडू मुझे पता ही, मुझे लग ही रहा था इस बार ये सही ही होगा, पता है। इस बार मेरे को लग ही रहा था, जैसे तुमको बताया ना कल रात को हो गया, तो मैं तो वेट कर रही थी कब न्यूज आए, इस बार तो मेरे को लग ही रहा था क्या हो जाएगा। क्या बोल रहे हो यार, पागल होगी जनता। पायल जल्दी आ, मेरे ध्यान से आई हो, जल्दी भी मूवमेंट हो रही है, बिल्कुल लड़की फील हो रही है मुझे। तेरे को ज्यादा फील होगी क्यों ऐसा क्यों? मेरी बॉडी में है ना, तेरे को ज्यादा फील होगी क्यों ऐसा क्यों? मेरी बॉडी में है ना वुमेन, तेरे को ज्यादा फील होगी क्योंकि तेरी बॉडी में है। बाकी तो बैंक के लॉकर में रख देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा हल्का सा बच्चा हो रहा है, उसका 750 ग्राम तुम लॉकर में रख लो, बाकी मैं बॉडी में रख लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो मैं अपने पति के टेस्टिकल में घुसा दूंगी। ओ, कोई लॉजिक बेटा, मेरे को तुम्हारा ये डायलॉग बहुत पसंद नहीं आया। आथू अयमान भाई, इसका लॉजिक प्लीज समझाए थोड़ा सा, तेरे को ज्यादा मूवमेंट फील होगी क्योंकि तेरी बॉडी में है। तो आज ये खुशी का दिन है, तो बड़ा दिन है हमारे लिए कि हमने सभी लोगों को रिवील कर दिया। आप लोग भी बहुत हैप्पी होंगे ये न्यूज़ सुन के। हम क्यों खुश होंगे? शर्म करो, भगवान से डरो। मम्मी, ओ मम्मी, हाँ? मेरी हल्की सी शादी करवाओ। नहीं। क्यों? मेरा आउट ऑफ सिलेबस मुंह है। हाँ। जिसका आउट ऑफ प्लेनेट मुंह है वो दो दो ले आया, तो मैं नहीं ला सकता। मैं आप पे 7-8 दिनों में किसी को भगा के यहाँ पे ले आना। तेरे साथ भागेगी कौन पहले ये बता। तो बस भाई आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। शॉर्ट वीडियो है पर आई गेस तो मैं मजा आया होगा। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना आई नगीना सेठी यूजर नेम है, वहां पर स्टोरीज में मजे करते हैं और डीएम में तुम बात बूत भी कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, पीला डॉलर वाला साइन अपनी मान है ना, तो सारी वीडियो मैं 2-2 दिन में पोस्ट कर दूं। बाकी तुम देखते रहो, अगर ये शक्ल तुमने पहली बार जिंदगी में देखी तो सब्सक्राइब बटन के साथ गंदी हरकत करके उसको दबा दो, घंटे वाला नोटिफिकेशन वाला भी ऑन कर लेना, तुम्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, मिलते हैं।